आप कौन सी लैंग्वेज समझेंगे ये मेरे को बोलो। आप तंबू ने आग लगाऊ था टेम को लगे ध्यान रखी जो 8 मिनट ज्यादा कौन दो ध्यान रखी जो बोलचंद थारो हिसाब लेर घर जाते रहिए बोले गंडमरा भोसड़ी का परम पूज्य गुरुदेव के आदेशों का ध्यान रखें। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी महाराज हमारे बीच है, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा परम पूज्य महाराज श्री का। प्रत्येक कलाकार 8 मिनट से अधिक समय नहीं ले, ये निवेदन रहेगा और ये आदेश भी हमारे गुरुदेव का। और अगले कलाकार पप्पू जी अल्टिया, आग्रह करूंगा मंच पे आए और गणेश वंदना की प्रस्तुति दे। बेचारे कलाकारों को मतलब मौका नहीं देते हैं, एक एक मोटो मोटो कलाकार 15 मिनट लेवे और छोटा छोटा कलाकार ने 3-3 मिनट दे रही हो, ये अच्छी बात थोड़ी है। बात को समझना आप, अगर आप मेरी बात को सही समझेंगे तो ये कहेंगे वास्तव में मैंने कलाकारों का मतलब क्या है सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखा है। और मेरी योजना है अगर कोई भी कलाकार जो बिल्कुल छोटा सा है वो भी यहां भजन लेता है 11,000 रुपए उसको हम देते हैं ताकि उसकी जेब से पैसा नहीं लगे और वो कलाकार एक कदम थोड़ा आगे बढ़े, ये हमारी योजना है। कलाकार सभी ध्यान देना, आप जितने भी राजस्थान के कलाकार हैं यहाँ इस गो चिकित्सालय में शूटिंग लेते हैं तो उनको 11,000 रुपया कैमरा का, वीडियो शूटिंग का, आने का जाने का खर्चा हम देते हैं, ये बात है मेरी योजना। मैं एक भजन मैंने कहा था लेना गजन जी का, एक लारकीलार और जोड़ दियो महाराणा प्रताप वाले जान फूलचंद उकसा रहे हो आप, मेरे को उकसाओ मत, अच्छा नहीं, शांति में गाड़ी चलन दो, बढ़िया रही। गोरी के नंदा और मैं थान सिमरू दोनों अलग अलग भजन है, दोनों अलग अलग भजन है, ज्वाइंट कर दिए थे मैं लाड़ पसीनो गाण हुई को मन उबाने ला रहे, मैंने स्लिप भी भेजी थी, मैंने कहा इस भजन के बाद में मैं आ रहा हूं। मैं एक यार भजन मात भजन लेवे, भजन मात भजन लेवे, मैं कुत्तों को कुत्तों की भाषा में समझाता हूं मैं, और कुत्ते मेरे है ना ये नौकरीदार, ये कुत्तों की ही भाषा में समझते हैं। श्रवण सेन ध्यान देना आप, हाँ बोर्डी का 10 सालों से काम करो था सभाओ को नहीं बॉस को सभाओ का ही है उकसा रही होते देखो देर बरकट मात्र छोड़ ने बरकट बरकट देखो देर बरकट कट बरकट बरकट भी नहीं